दोस्तों इन छोटे छोटे 100 इंग्लिश के फिक्रात से आप बच्चों के साथ इंग्लिश बासानी बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, दिस इज जैस्मिन एंड यू लिसनिंग टू मी जैस्मिन व्लॉग। उर्दू से इंग्लिश सीखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो टाइम पर मिलती रहे। जब आप किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उर्दू में बोलते हैं ये वाला। इस बात को हम इंग्लिश में छोटे से फिक्रे में बोल सकते हैं दिस वन, और हाथ से भी इशारा करते हैं वो वाला जो थोड़ा दूर पड़ा हो। इसके लिए आप बोलते हैं दैट वन, वो वाला। जब आप इस तरह बच्चों के साथ इशारा करेंगे और बोलेंगे तो बच्चों के लिए बोलना और समझना आसान हो जाएगा। इशारों के साथ बात जरूर किया करें, इसे करो या ये करो, तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं डू इट, डू इट। आप उंगली से किसी काम की तरफ जो आप बच्चों को करने के लिए कह रहे हैं, आप इसी उसकी तरफ इशारा कीजिए और साथ बोलिए डू इट नाउ, या आप उसे कह सकते हैं डोंट डू इट, ये नहीं करें, जल्दी करो या इसे जल्दी करो या ये जल्दी करो। उसे हम इंग्लिश में कहेंगे डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे लहजे में यानी ब्यूटीफुल एक्सेंट में बात करे तो आप अपना लहजा इंग्लिश में अच्छा रखें और मेरे पीछे रिपीट करें ताकि आपका लहजा इंग्लिश में बात करते हुए अच्छा रखें, और मेरे पीछे पीछे रिपीट करें ताकि आपका लहजा अच्छा बनता जाए। इसे जल्दी करो या ये जल्दी करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। जल्दी करो को हम इंग्लिश में हरी अप कहते हैं। जब आप ने बोलना है तो ज़्यादा गैप नहीं देना, उसे आप यूं बोलेंगे हरी अप, हरी अप। नहा लो, टेक बाथ, टेक बाथ। जाकर खेलो, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। गुड बाय बोलो, से गुड बाय, से गुड बाय। एक निवाला ले लो या एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक घूंट पी लो, टेक अ सिप, टेक अ सिप। अपनी किताबें बैग में रखो, पुट योर बुक्स इन द बैग, पुट योर बुक्स इन द बैग। कभी नहीं, नेवर, नेवर। इसे साफ करो, क्लीन इट, क्लीन इट। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। इसे दोहराओ, रिपीट इट, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी। मेरे पीछे पीछे पढ़ो, रिपीट आफ्टर मी। जैसे हम बच्चों को अल्फाबेट सिखा रहे हों और बोले ए बी सी, तो हम बच्चों को कह रहे होते हैं कि मेरे पीछे पीछे दोहराओ, रिपीट आफ्टर मी। दोबारा कोशिश करो, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। उठ जाओ, गेट अप, गेट अप। जाग जाओ, वेक अप, वेक अप। वेक अप और गेट अप में फर्क ये है कि वेक अप का मतलब है जाग जाओ, मतलब नींद से जागने के लिए हम यूज करते हैं। बिस्तर से उठ जाने को हम गेट अप कहते हैं, गेट अप। बी हैप्पी, खुश रहो, बी हैप्पी, बी हैप्पी। चलो गेम खेलते हैं, लेट्स प्ले अ गेम, लेट्स प्ले अ गेम। सीधे खड़े रहो, स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने बच्चे को पनिशमेंट देनी हो या कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे स्टैंड स्टिल,
यानी खड़े हो रहो, हिलो मत, डोंट मूव, ऊपर जाओ, अप द स्टेयर्स, गो अप द स्टेयर्स। बच्चा ऊपर चला गया है, अब आप नीचे खड़े हुए बोल रहे हैं, कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स, नीचे आओ, नीचे आओ, इधर देखो, लुक हियर, मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी। ये लो या इसे लो, टेक इट, टेक इट, इसे पकड़ो, होल्ड इट, होल्ड इट, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ध्यान से, बी केयरफुल, बी केयरफुल, अभी, राइट नाउ, इसे चखो, टेस्ट इट, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, मुझे दो, गिव मी, ये क्या है, व्हाट इज दिस, मुझे दिखाओ, शो मी, शो मी, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, लिसन टू मी, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, बैठ जाओ, सिट डाउन, इसे खाओ, ईट इट, ईट इट, आहिस्ता चलो, वॉक स्लोली, यहाँ आओ, कम हेयर, ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली, या आप इसे ये भी कह सकते हैं, स्पीक अप, लाउडली का मतलब है ऊंची आवाज में जो कि बहुत ज़्यादा लोगों तक जाए, जबकि स्पीक अप का मतलब है जब आप किसी को सुने तो आपको आवाज़ पूरी तरह ना पहुंच रही हो, तब आप बोलते हैं स्पीक अप, यानी थोड़ा ऊंचा बोलो, या ये भी बोल सकते हैं स्पीक लाउड, स्पीक लाउड, एल ओ यू डी, लाउड, खामोश रहो, कीप क्वाइट, अंदर आओ, कम इन, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, कुछ ख़ास है, एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग स्पेशल, कुछ ख़ास है पूछने के लिए आप यूज़ करते हो एनीथिंग स्पेशल, जबकि आप कुछ बताने के लिए यूज़ करते हो, जब आपके पास कुछ ख़ास हो किसी को बताने के लिए तो आप यूज़ करते हो समथिंग स्पेशल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरे पास आपके लिए कुछ ख़ास है तो आप कहोगे आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू, आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। रो मत, डोंट क्राई, डोंट क्राई, चिल्लाओ मत, डोंट शाउट, जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी, सब्र करो, हैव पेशेंस, कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप, मेरा यकीन करो, बिलीव मी, चुप हो जाओ, शट अप, शट अप, शट अप बहुत सख्त फिक्रा है तो कोशिश करें कि बच्चों के साथ शट अप का वर्ड यूज ना करें। इसे लिख लो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, डोंट फाइट, कूदो मत, डोंट जंप, डोंट जंप, तुम गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, अच्छे तरीके से पेश आओ, बिहेव प्रॉपरली, बिहेव प्रॉपरली, एक तरफ हो जाओ, मूव साइड, थोड़ा हट जाओ,
Move a bite. Barai meherbani, samjho. Please understand. Please understand. Bhulo mat. Don't forget. Don't forget. Main bhul gaya. I forgot. I forgot. Sharmao mat. Don't be shy. Don't be shy. Mez laga do. Set the table. Set the table. Bahut acha. Very good. Very good. So chao. Go to bed. Go to bed. Mujhe batao. Tell me. Inhe sahi tarah rakho. Put them to correctly. Apni naak saaf karo. Clean your nose. Ya paise bhi keh sakte ho. Clear your nose. Ye aasan hai. This is easy. Ab tum koshish karo. Now you try. Wapis jao. Go back. Ab bahut bure ho. You are very bad. Ab bahut acche ho. You are very good. Mere haath gande hain. My hands are dirty. Mujhe pyaas lagi hai. I am thirsty. Mujhe bhook lagi hai. I am hungry. Main aapse naraaz hoon. I am angry with you. Phir hum khelenge. Then we will play. Jhoot mat bolo. Don't lie. Aapne kya khaya? What did you eat? Mujhe pareshan mat karo. Don't disturb me. Sust mat bano. Don't be lazy. Ab chup kyun ho? Why are you silent? Ab jawab kyun nahi de rahe? Why are you not answering? Kya bimar ho? Are you sick? Chot kaise lagi? How did you get hurt? Thanda pani mat piyo. Don't drink cold water. Ice cream mat khao. Don't eat ice cream. Mera haath pakdo. Hold my hand. Bahar mat khelo. Don't play outside. तो दोस्तों ये थे 100 ऐसे फकरात जो आप बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस हैं जो कि डेली बेसिस पर आपको काम आने वाले हैं। बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करने के लिए बच्चों के साथ डेली बेसिस पर इंग्लिश में बात करें। टेक केयर, बाय फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।